काफी अटकलों के बाद आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने गोरखपुर लोकसभा सीट से अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी। भाजपा ने जौनपुर जनपद के निवासी भोजपुरी अभिनेता रवि किशन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर से चुनाव मैदान में उतारा है। भोजपुरी अभिनेता रवि किशन 2014 के लोकसभा चुनाव में भी अपना भाग्य आजमा चुके हैं। पिछली बार वो कांग्रेस के टिकट पर उत्तर प्रदेश की जौनपुर सीट से चुनाव मैदान में उतरे थे, लेकिन मोदी लहर में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। जौनपुर से भाजपा के केपी सिंह ने जीत दर्ज की थी। हाल ही में भाजपा में शामिल होने के बाद चर्चा थी कि रवि किशन इस बार भी जौनपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन भाजपा ने उन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ माने जाने वाले चर्चित व प्रभावशाली गोरखपुर लोकसभा से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। जबकि सपा बसपा महागठबंधन ने रामभुवाल निषाद को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जबकि कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी अभी तक नहीं घोषित किया है। वहीं गोरखपुर के निवर्तमान सांसद प्रवीण निषाद को भाजपा ने संत कबीर नगर लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया। वहीं संत कबीर नगर के निवर्तमान सांसद शरद त्रिपाठी का टिकट काट कर भाजपा ने उनके पिता तथा पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी को देवरिया लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया है।